तो अब आइए ये जान लेते हैं, क्योंकि आज आप मुहूर्त जानना चाहते होंगे, तो आज किस मुहूर्त में, किस शुभ घड़ी में भगवान गणेश की पूजा करने से महालाभ की प्राप्ति होगी, स्थापित भी अगर करना चाहते हैं वो सबसे शुभ समय कौन सा है, साथ ही क्या आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है पंडित जी, ये एक भ्रांति है या सच में कोई सत्यता है इसमें, और वो जो शुभ घड़ी है वो बता दें। देखो, व्रतराज में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सिद्धि विनायक व्रत के रूप में बताया है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी महत्वपूर्ण और शुभ तिथियों में से एक है। इस तिथि को महाभारत ग्रंथ की उत्पत्ति के साथ भी जोड़ा गया है, जिसे श्री वेदव्यास जी भगवान श्री गणेश की सहायता से ही पूर्ण कर पाए थे, इसलिए आज की चतुर्थी का विशेष महत्व है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न में हुआ था। उस समय सोमवार का दिन, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न, अभिजीत मुहूर्त था। गणेश जी के जन्म के समय सभी शुभ ग्रह कुंडली में पंचग्रही योग बनाए हुए थे। ऐसे में आज गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का जो मंगल मुहूर्त है, उनके जन्म मुहूर्त के अनुसार ही है। गणेश पूजा मध्यान्ह मुहूर्त कुल दोपहर 2:31 का है, जो आज सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। स्वाति नक्षत्र और मध्यान्ह मुहूर्त दोपहर 12:35 से दोपहर 12:33 तक। चर लग्न मुहूर्त चौघड़िया के हिसाब से दोपहर 12:19 से दोपहर 1:53 तक, और अमृत लग्न मुहूर्त दोपहर 3:27 से शाम 5:01 तक। आज चंद्रमा के दर्शन का निषेध है। क्यों निषेध है? आज का चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये चंद्रमा देख लिया था तो उन्हें भी श्यामंतक मणि के चोरी का आरोप लगा था। भगवान कृष्ण को श्यामंतक मणि के चोरी का आरोप लगा था। श्यामंतक मणि वो मणि है जिसे सत्राजीत ने सूर्य की उपासना करके सूर्य से प्राप्त किया था, और उस श्यामंतक मणि की खासियत ये है कि जो आदमी उसे गले में धारण करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर सूर्य उतर आया है, और वो श्यामंतक मणि नित्य उस व्यक्ति को 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना का मतलब श्यामंतक मणि का जितना वजन है उसका 8 गुना सोना वो नित्य देती है। तो सत्राजित जब द्वारका की तरफ आ रहा था तो लोगों में हल्ला मच गया कि सत्राजित जो है वो श्यामंतक मणि, वो एक सूर्य आ रहा है। भगवान कृष्ण से जब लोगों ने आकर कहा तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई सूर्य नहीं, ये सत्राजित है और श्यामंतक मणि धारण करके आ रहा है। आने के बाद उसका आव भाव स्वागत हुआ और भगवान कृष्ण ने कहा कि श्यामंतक मणि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसको तुम्हें मतलब कि जो है अपने पास सुरक्षा नहीं कर पाओगे, तो इसको मतलब कि तुम महाराजा उग्रसेन को दे दो और इसके जो सोना होगा वो तुम ले लेना, क्योंकि तुम इसकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, और वो मतलब कि अपने घर को चला गया। तो सत्राजीत का जो छोटा भाई था प्रसेनजीत, उसको एक दिन वो श्यामंतक मणि पहनने की इच्छा हो गई और वो श्यामंतक मणि पहन करके जंगल में शिकार के लिए चला गया। वहाँ एक शेर से उसका भिड़ंत हो गया और शेर ने उसे मार डाला, और शेर ने जब मार डाला तो श्यामंतक मणि गायब हो गई और प्रसेनजीत मारा गया। अब सत्राजीत को ये संदेह हो गया कि हो न हो कृष्ण ने मार करके मेरे भाई को श्यामंतक मणि चुरा ली। अब इतनी बड़ी जब लोक निंदा हुई तो भगवान कृष्ण प्रसेनजीत को मारने वाले को खोजने के लिए चल दिए। जंगल में जब जा करके उन्होंने देखा जहाँ प्रसेनजीत मारा गया था तो वहाँ सिंह के पैरों के निशान पड़े हुए दिखाई दिए, और जब उसका अनुसरण करते हुए गए तो एक गुफा थी। उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए और जितने लोग बाहर थे सबको अपना इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। गुफा में जो जब जाते हैं देखते हैं तो अंधेरी गुफा में वहाँ जामवंत जी हैं, उनकी बेटी है। जामवंत से भगवान कृष्ण का युद्ध हो जाता है और युद्ध एक दिन नहीं 21 दिन तक चलता रहता है,
और जब मल्लयुद्ध में जामवंत परास्त होने लगे तब उन्होंने कहा कि कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो लगता है मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं। तब जामवंत उनकी उपासना करने लगे, प्रभु आप प्रभु श्री राम हैं, आप अपना दर्शन दीजिए, क्योंकि किसी के अंदर इतना बल नहीं जो जामवंत को पछाड़ सके। तब उन्होंने अपना स्वरूप का दर्शन दिया और जामवंत ने ये जान करके भाव विभोर होकर उनके चरणों की सेवा की कि तो मेरे प्रभु हैं, और उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु यह सामंतक मणि एक सिंह के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी, इसे आप स्वीकार करें और मेरी पुत्री जामवंती को अपनी धर्म भार्या बनाएं। तो जामवंती उनकी दूसरी पत्नी हुई। और इधर सत्राजीत को ला करके जब मणि वापस किया भगवान कृष्ण ने, तो सत्राजीत बहुत अपने को अपमानित महसूस किया कि मैंने इतने बड़े भागवतिक व्यक्ति के ऊपर इतना लांछन लगा दिया, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो उसने अपनी सत्यभामा नाम की लड़की को जो है भगवान श्री कृष्ण को और वो मणि के साथ समर्पित कर दिया प्रायश्चित के रूप में, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, भगवान कृष्ण की 8 पटरानियाँ, जिसमें मतलब कि जो है पहली रुक्मिणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी मित्रवृंदा, पाँचवीं कालिंदी, छठवीं लक्ष्मणा, सातवीं भद्रा, इस तरह से कुल 8 पटरानियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण की थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज पानी में सफ़ेद तिल डाल करके स्नान करिएगा और मध्यान्ह मुहूर्त में भगवान गणेश का पूजन अर्चन करिएगा। अपने घर में आज उत्सव का माहौल बनाइए, आज आपके घर के हर व्यक्ति को खुश प्रसन्न और गणेश पूजा के लिए तैयार होना चाहिए, घर के जन जन में उत्साह होना चाहिए। प्रातर स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। घर का अगर बच्चा बच्चा गणेश पूजन के लिए उल्लसित होकर के, उत्साह में आकर के, प्रसन्नता में आकर के और तैयारियों में लगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति के घर में रिद्धि सिद्धि 12 महीने अपनी छाया करके रहेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, स्थापना तो होगी, उस अनुसार फिर पूजा पाठ भी होगा, लेकिन उसके जैसे आप हर एक पूजा में विशेष मंत्र बताते हैं, सबसे प्रिय और जो वो आप कहते हैं ना मानसिक पूजा जो चलती रहे 24 घंटे अनवरत, तो वो ऐसा कौन सा मंत्र है जो बहुत प्रिय है और प्रसन्न किया जा सकता है गणेश जी को, आज के दिन मन में चलना चाहिए जो? देखो, मंत्र जितना छोटा होता है उतना प्रभावशाली होता है, मंत्र जितना बड़ा होता है उसमें उतनी त्रुटि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गणेश जी का बीज मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। अगर ये मंत्र हर समय जिह्वा पर चलता रहे और गणेश जी का चिंतन मन मस्तिष्क में बना रहे जी, तो असंभव से असंभव कार्य भी पूरे होते हैं। दूसरी बात ऐसा जान लो, ज्योतिष शास्त्र में केतु का चाहे जितना बड़ा तांडव हो और बुध ग्रह चाहे जितना अस्त हो, अगर गणेश जी के मंत्रों का सम्यक प्रकार से जप कर लिया जाए और गणेश जी की स्थापना करके उनका सहस्रार्चन कर लिया जाए, तो बहुत जल्दी केतु का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। केतु का प्रभाव यानी क्या परेशानियां पंडित जी? ब्रेन हेमरेज केतु कराता है। अच्छा। दिमाग में क्लॉट होता है तो केतु कराता है, मूर्छा आने की बीमारी केतु कराता है, समझ रहे हो, जितना मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं सब केतु कराता है। ऐसे लोगों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, या जिनको वाणी दोष है, जो लोग हकलाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जिनकी आवाज़ फटी हुई है, जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ऐसे सभी लोगों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा से बुध ग्रह और केतु ग्रह। एक छोटी सी चीज और बताइए पंडित जी, रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते हैं, रिद्धि सिद्धि क्या है? अरे इनकी पत्नियां वो तो हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति वो क्या मायने हुए? रिद्धि सिद्धि का मतलब कि समस्त प्रकार की मनोकामना को पूरा करने वाली ये देवियां रिद्धि और सिद्धि हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले देवता, असंभव से असंभव कार्य को भी पूर्ण करने वाली देवी, जिस तरह से 8 निधि 9 निधि
आठव सिद्धि नवोनिधि, ये मतलब जानकी माता ने वरदान दिया था हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो उसी तरह से रिद्धि सिद्धि, ये भगवान गणेश की दोनों पत्नियां हैं और शुभ लाभ इनके दो बेटे हैं, गणेश जी के बेटे शुभ लाभ, शुभ लाभ हैं। तो ये रिद्धि और सिद्धि जो हैं, ये सब प्रकार के भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। जिनके घर में इनका प्रवेश नहीं होता है वहां तो हर समय विपन्नता, दरिद्रता, अभाव, रोग सब कुछ रहता है, और जहां गणेश जी की पूजा होती है वहां रिद्धि सिद्धि अपने आप नाचने लगती हैं, प्रवेश कर जाती है। इसलिए कलयुग में ही नहीं, हर समय से भगवान गणेश की सारी पूजा में सबसे पहले आवाहन होता है, कलौ चंडी विनायकौ, गणेश जी की सबसे पहले आवाहन की स्थिति होती है जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, प्रथम पूजनीय माना जाता है। अब एक और चीज पंडित जी,